सन पर रिएक्शन होते हैं उसी को बेस बना के ताकि उससे सनलाइट स्टेज डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है और ये प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करने के लिए था। तो ये हम कैसे करेंगे और इससे क्या बेनिफिट होगा? हम सदियों से अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले लकड़ी, फिर कोयले और अब पेट्रोलियम, एलपीजी आदि से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा करते हैं, जिससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि ये ख़त्म भी हो सकते हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अब बारी आती है सूर्य का, जो हर दिन ऊर्जावान है, जिसमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। पर आपने कभी सोचा है, अगर हम सूर्य जैसी ही कोई संरचना धरती पर बना ले तो हमें कितनी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा हो जाएंगी? तो इसी सवाल के साथ काम कर रहे हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER। सूर्य पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है उसी को आधार बनाकर ऊर्जा उत्पादन, दूसरे शब्दों में कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा और अमेजिंग प्रोजेक्ट, जिसमें हम जल से ऊर्जा उत्पादन कर सकेंगे और वो भी बिना प्रदूषण के, ग्रीन और क्लीन एनर्जी। पर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को करना काफ़ी मुश्किल है और एक लंबे अरसे से चल रहा है। यह प्रोजेक्ट अभी भी कई सालों तक चलेगा, पर अगर सफल हुआ तो फ्यूचर की एनर्जी सोर्स हमें मिल पाएगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे कंट्री के सदस्य मिले हुए हैं ताकि यह प्रोजेक्ट कारगर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के प्रोजेक्ट के टेक्निकल और वेरियस एस्पेक्ट में, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार यह सूर्य के तर्ज पर एनर्जी जनरेट कर पाएगा और साथ ही साथ जान पाएंगे कि इसमें टेक्निकल और क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, कैसे काम करते हैं और भी बहुत कुछ। और लास्ट में आप जान पाएंगे कि इस पर आधारित एक गेम ऑपरेशनल टोकामैक किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार से इसमें प्लाज्मा साइंस का यूज किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को जो विज्ञान समागम के ITER प्रोजेक्ट से रिकॉर्डेड किया गया। जो सन पर रिएक्शन होते हैं उसी को बेस बना के आर्टिफिशियल सनलाइट स्टेज डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है और ये प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो दो चार बातें जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पोल्यूशन भी होता है, लिमिटेड स्टेट भी है और हमेशा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इतने बड़े एनर्जी डिमांड को हम कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए कुछ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए जो पोल्यूशन भी ना करे और कभी खत्म भी ना हो। इसके करने के लिए जो सन का टेम्परेचर होता है अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, उससे भी बहुत सोना टेम्परेचर और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर जब हाइड्रोजन के दो आइसोटोप जब इन्वॉल्व करते हैं काफ़ी हाई एनर्जी जनरेट होता है, अबाउट 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। और जो हमने पहले न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, पावर जनरेट होता था, लेकिन उसमें रेडिएशन भी होता था, पोल्यूशन भी होता था। लेकिन इसमें पोल्यूशन नाम तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ हीलियम मिलेगा, जो हीलियम एक इनोग्रेस है, कोई पोल्यूशन नहीं होता उससे। ओके, और तो एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव 3-4 होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिफिशियल सनलाइट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, ये जान पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो ये मशीन आपको दिख रहा है, इसमें अगर 50 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आउटपुट में हम लोग को 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलने की क्षमता होगी। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 10 गुना ज़्यादा, सो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी 10 गुना कम हो सकता है और जो कोयला वगैरह पर हम लोग डिपेंडेंस है वो भी कम होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए किसी एक देश में कैपेबल नहीं है, इसका एक्चुअल डायमेंशन इतना नहीं है, इसका एक्चुअल डायमेंशन अबाउट 30 मीटर x 30 मीटर होता है। सो इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए 7-8 कंट्रीज में इन्वॉल्व है, जिसमें अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, फ्रांस, रसिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया भी इन्वॉल्व है। सारे लोगों को अपना अपना उत्तरदायित्व मिला है, इंडिया को कुछ पार्ट बनाना है, कुछ पार्ट चाइना को बनाना है। तो इंडिया को उत्तरदायित्व के रूप में क्रायो स्टेट बनाना है और हीटिंग सिस्टम बनाना है, कूलिंग सिस्टम बनाना है और एकम डेसल भी बनाने की जिम्मेदारी है। तो सारे कंट्री लोग बना बना के अपना जो भी दायित्व है फ्रांस में बनाए, क्योंकि ये जो टोकोमैक दिख रहा है सिस्टम फ्रांस को पहले पता चले करना है कि काम करेगा तब जाके हम लोग इसको अपने जो भी सेटअप है 30 मीटर x 30 मीटर का फ्रांस सिचुएट है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ फ्रांस मार्सेल में सिचुएट है। ओके,
उतने हाई टेम्परेचर को किसी एक मशीन में रखना और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग बीच एक इसका बात है कि अभी जो जो सबसे हाई टेम्परेचर का बात है, ओके, और इसको हम लोग इसमें गुलाबी कलर का दिख रहा प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा को ही कंट्रोल करना सबसे बड़ी मुश्किल का काम है क्योंकि इसका टेम्परेचर अबाउट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो इसी प्लाज्मा को कंट्रोल करना ही इटर गेम का कॉन्सेप्ट है। प्लाज्मा को कन्फाइंड करने के लिए बहुत ही ताकतवर प्रकार के मैग्नेट का यूज किया जाता है और इसी प्रकार गेम में भी मैग्नेट का यूज कर रहे हैं हम लोग इसे मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं गेम को। इधर से मैं हिट देता हूं और इधर से मैग्नेट के थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे ताकि ना इस वाल को टच करे ना इस वाल को टच करे। अगर ये लाइन यहां पहुंचता है तो इस मैग्नेट को टच कर जाएगा, अगर ये इसको इस तरफ आता है तो इस मैग्नेट को टच कर जाएगा। तो इसको हम लोग को बीच में कंट्रोल करके रखना है और इसको हम लोग को हाई टेम्परेचर अबाउट 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना है लिमिटिंग टाइम में और डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे ही रेड जोन में जाएगा यहाँ डैमेज होगा तो आप खेल सकते हो आगे कंटिन्यूसली।